मैं राजेश सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर इतिहास, समाज विज्ञान विद्या शाखा, उत्तर प्रदेश राजेश टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज। आज हम लोग यहाँ पर कार्यक्रम यूजी के कोर्स UGHY 101 के खंड एक की इकाई प्रथम इकाई का अध्ययन करेंगे, जिसका विषय है भारत में इस्लाम का आगमन, इस्लाम का उदय एवं महमूद गजनवी के भारत अभियान। इसलिए सर्वप्रथम हम लोग इस्लाम के उदय और इस्लाम के उदय के समय वहाँ की परिस्थितियाँ क्या थी, इसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम इस्लाम को समझते हैं कि इस्लाम क्या होता है। इस्लाम दो शब्दों, इस्लाम एक अरबी भाषा का शब्द है जो दो शब्दों सलम एवं सिल्म से मिलकर बना है। सलम का मतलब है शांति और सिल्म का मतलब है समर्पण। इसका मतलब होता है इस्लाम शांति और समर्पण का मजहब है। ठीक, अब हम लोग इस्लाम के उदय कहाँ हुआ और उस समय वहाँ की परिस्थितियाँ क्या थी, इस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। इस्लाम का उदय मक्का में हुआ, मक्का एवं मदीना में हुआ। ये दोनों स्थान सऊदी अरब में पड़ते हैं। इस्लाम के संस्थापक जो हैं वो हजरत मोहम्मद साहब थे। इनका जन्म जो है 570 ईस्वी में, 20 अप्रैल 570 ईस्वी को मक्का में हुआ था। उस समय मक्का में विभिन्न फिरके स्थापित थे, जो फिरके यानी समुदाय स्थापित थे जो अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करते थे, जिसमें लाट, ऊजा आदि देवियों की पूजा की जाती थी। यहाँ हावल की भी पूजा होती थी। इन सब में जो है लाट, ऊजा आदि की पूर्ण मूर्ति नहीं थी, हावल की मूर्ति जो है पूर्ण थी जो है। और पूजा का स्थान इनका जो है, पूजा का स्थान जो है काबा था। इस समय कोई धार्मिक ग्रंथ था न कोई दर्शन था। वहाँ एक पूजा स्थल था जिसको काबा कहते थे। काबा की स्थापना इब्राहिम एवं इस्माइल द्वारा की गई थी। इसी स्थान पे विभिन्न फरके अपनी मूर्ति पूजा, प्रतीक पूजा के जो रूप में प्रचलित थी उसकी मूर्ति यहाँ पर स्थापित थी। और इस काबा की स्थापना अब्राहम एवं इस्माइल द्वारा की गई थी। इसके अगल बगल की भूमि जिसको हातिम कहा जाता था, पवित्र माना जाता था, यहीं पे लोग आते थे, इकट्ठे होते थे और पूजा पाठ करते थे। इसी समय जो है इस्लाम के धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब का जन्म मक्का में हुआ। इनका जन्म 20 अप्रैल 570 ईस्वी को मक्का में हुआ। इनके बचपन का नाम अमीन था, इनके पिता का नाम अब्दुल्ला एवं माता का नाम अमीना था। लेकिन बचपन में ही इनके माता पिता की मृत्यु हो गई और इनका पालन पोषण इनके चाचा अबू तालिब द्वारा किया गया। अपने चाचा अबू तालिब के साथ ही ये व्यापार वाणिज्य का कार्य करते थे और मिस्र, सीरिया, ईरान आदि स्थानों पे घूम घूम के व्यापार करते थे। इसी समय एक विधवा खदीजा थी, उसने अपना इनको व्यापारिक पत्नी नियुक्त किया और ये उसका व्यापार संभालने लगे जो है। आगे चलकर इसी से इन्होंने शादी कर लिया। ठीक, और यहां देखिए मिस प्रिंट है। ये यह कार्य तो करते ही थे, लेकिन मक्का के पास ही हीरा नामक पहाड़ी पे जाकर ईश्वर की आराधना किए करते थे। 40 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और ये रसूल और नबी, रसूल यानी देवदूत और नबी यानी सिद्ध पुरुष कहलाए। इसके बाद इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया और एक अल्लाह में आस्था रखने की बात कही, जिसके परिणाम स्वरूप जहाँ ये रहते थे उस कबीले का नाम कुरैश कबीला था, वहाँ के लोग इनके शत्रु हो गए और इनका विरोध होने लगा। इसी बीच मदीना, जिसका नाम मशरिफ था उस समय,
मदीना के दो फिरके औस एवं खजराज के लोगों ने इनको मदीना बुलाया। 622 ईस्वी में ये मदीना पलायन कर गए। 16 जुलाई 622 ईस्वी को ये मदीना चले गए। इसी दिन को हिजरत के नाम से जाना जाता है और यहीं से हिजरत संवत की शुरुआत हुई। यहीं पर इन्होंने प्रथम मुस्लिम राज्य की स्थापना किया। ये वहाँ गए तो सर्वप्रथम तो यहाँ के धार्मिक प्रधान हो गए, लेकिन वहाँ के लोगों ने इनको धार्मिक क्रियाकलापों के साथ साथ अपनी संपत्ति एवं सामानों की सुरक्षा का दायित्व भी इन पे सौंप दिया। इसलिए वहाँ पर ये धार्मिक एवं राजनैतिक दोनों प्रमुख हो गए। और 632 ईस्वी में मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गई। इसके बाद चूँकि मोहम्मद साहब ने कोई उपाधि ग्रहण नहीं किया था, इसके बाद वहाँ की व्यवस्था संभालने के लिए वहाँ की जनता ने आम सहमत से अबू बकर को खलीफा बनाया। ये जो अबू बकर थे, ये इनकी पुत्री का नाम आयशा था और ये जो है मोहम्मद साहब की पत्नी भी थी। ये जो है अबू बकर जो है मोहम्मद साहब के मित्र थे, साथ ही इनकी पत्नी आयशा के पिता भी थे। इन्होंने 622 से 634 ईस्वी तक खलीफा का पद संभाला। उसके बाद जब 634 में इनकी मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद उमर खलीफा बनते हैं। 634 से 644 ईस्वी तक ये रहते हैं। इन्हीं के समय भारत में सर्वप्रथम आक्रमण हुआ। इनके समय सर्वप्रथम आक्रमण 636 ईस्वी में, फिर पुनः 643 ईस्वी में आक्रमण हुए। देखिए, सर्वप्रथम सत्ता का विकास मदीना के आसपास में ईरान, इराक आदि क्षेत्रों में इन्होंने अपनी सत्ता का क्षेत्र का विस्तार किया और भारत पे अभियान भी किया। इसके बाद खलीफा हुए उस्मान। ये 644 से 654 ईस्वी तक खलीफा रहे। इन्हीं के समय कुरान का संकलन हुआ। या ये कह सकते हैं कि कुरान को आसमानी ग्रंथ भी कहा जाता है। ये माना जाता है कि अल्लाह ने इसको आसमान से उतारा, इसे इसको आसमानी ग्रंथ कहते हैं। और चूँकि कुरान अरबी भाषा में है, इसलिए यह भी माना जाता है कि इसका अध्ययन अरबी भाषा में ही करना चाहिए। इसके बाद जो है 656 ईस्वी में जो है अली जो है खलीफा हुए। ये 661 ईस्वी तक रहे। ये जो है मोहम्मद साहब के दामाद थे। मोहम्मद साहब की एक पुत्री थी फातिमा, उनके ये पति थे। इन लोगों की जो है ये पवित्र खलीफा चारों काला है। इनको जो है सामूहिक रूप से सहाबा कहा जाता था। ठीक, इसके बाद जो है अली ने अपने पुत्र हसन को जो है खलीफा बनाया, लेकिन इसी समय मुआविया ने अली के पुत्र हसन को हटाकर खलीफा के गद्दी पर कब्जा कर लिया। और ये सारे जो लोग हैं ये उमैयद वंश के जो है खलीफा थे। ठीक, अब यहाँ से जो है चूँकि मुआविया ने अपने बाद अपने पुत्र याजिद को खलीफा के पद पर बैठा दिया, यहीं से खलीफा का पद वंशानुगत हो गया। और इस उमैयद वंश के ने 749 ईस्वी तक शासन किया। इसके अंतिम खलीफा मारवान द्वितीय हुए, जिनको अब्बासी वंश के अब्दुल सफा ने हटाकर मार दिया और अब्बासी वंश की स्थापना जो की, यानी खिलाफत अब अब्बासी वंश के पास आ गई। अब अब्बासी वंश के लोग खलीफा बनने लगे। इन्होंने अपनी राजधानी मदीना से हटाकर जो है दमिश्क कर दिया। दमिश्क जो है कूफा के नाम से जानते थे। दमिश्क जो है सीरिया में स्थित था तत्कालीन समय में, आज भी है जो है स्थापना की। इस अब्बासी वंश का शासन काल 749 ईस्वी से 1258 ईस्वी तक चला। ठीक, और इसके अंतिम खलीफा अल मुस्तसिम, इनकी हत्या मंगोल नेता हलाकू खान ने 1258 ईस्वी में कर दी। ठीक,
इसके बाद खिलाफत, खिलाफत यानी खलीफा जहां शासन करता था उसके क्षेत्र को, उसके धार्मिक, उसके और राजनीतिक क्षेत्र को खिलाफत के नाम से संबोधित किया जाता था, किया जाता। इसलिए जो है इसके बाद जो है खलीफा ममलूक सुल्तान मिस्र में थे जिनका वंश फातिमा वंश था, उनके पास आ गई और 1517 तक खलीफा का पद यही रहा। इसके बाद जो है ऑटोमन साम्राज्य तुर्की में जो था वहाँ के शासकों ने खलीफा का पद स्वयं धारण कर लिया और प्रथम युद्ध के समय तक खिलाफत या खलीफा का पद वहीं चलता रहा तुर्की साम्राज्य के पास। तुर्क में प्रथम युद्ध के समय अंग्रेजों ने खलीफा का पद समाप्त कर दिया, इसके बाद वहाँ के शासक ने कभी इसको फिर से जीवित करने का प्रयास नहीं किया। ये तो हो गया इस्लाम का उदय। अब हम इस पे चर्चा करते हैं कि अरबों का भारत पे आगमन कब हुआ। अरबों का भारत पे आगमन दो तरीके से होता है, एक आक्रमण द्वारा और एक जो है व्यापार के द्वारा। हम सबसे पहले आक्रमण पे ही चर्चा कर लेते हैं। अरबों का प्रारंभिक आक्रमण द्वितीय खलीफा उमर के समय जो है 636 ईस्वी में पहली बार हुआ। ये थाना, भड़ोच, देवल पर आक्रमण किया, इसके अभियान असफल रहे। इसके बाद ये 636 है मिस्टेक वश, यहाँ पर 643 ईस्वी में सिंध पर भी आक्रमण हुए लेकिन ये भी असफल रहे। ये प्रथम चरण का आक्रमण थे। इसके बाद द्वितीय चरण में आक्रमण, बहुत फेमस आक्रमण 712 ईस्वी में जो है मोहम्मद बिन कासिम का माना जाता है, उसकी पृष्ठभूमि पर चर्चा कर लेते हैं। उस समय इराक का गवर्नर हज्जाज था, ठीक। उस समय उसके व्यापारिक समुदाय एक श्रीलंका से जो है जा रहा था ईरान और सिंध के डाकुओं द्वारा उस जहाज को लूट लिया गया। इस पर हज्जाज ने सिंध के शासक दाहिर से कहा कि उनको दंडित किया जाए, लेकिन दाहिर ने इस पर कोई कार्यवाही नहीं किया। इससे हज्जाज नाराज हो गया और उसने जो है भारत पे अभियान किया और उसने सर्वप्रथम 711 ईस्वी में उबैदुल्लाह को भेजा। उबैदुल्लाह आक्रमण करता है लेकिन वह पराजित होता है। इसके बाद द्वितीय अभियान बुदैल के नेतृत्व में 711 ईस्वी में पुनः होता है लेकिन यह भी पराजित होता है। इसके बाद तृतीय अभियान जो है हज्जाज जो है अपने दामाद को, जिसका नाम मोहम्मद बिन कासिम था, सिंध पर आक्रमण के लिए भेजता है और 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम जो है वो यहाँ आक्रमण करता है। इस आक्रमण के समय उसे यहाँ पर जाट, मेड़ और विद्रोही बौद्धों का साथ मिलता है और प्रथम आक्रमण के समय एक ब्राह्मण द्वारा कुछ गुप्त जानकारी भी मिलती है जिससे उसको अपनी विजयों में विजय प्राप्त करने में सफलता मिलती है। मोहम्मद बिन कासिम ने सर्वप्रथम 712 ईस्वी में अभियान किया। यह अभियान देवल नामक स्थान पर किया। यह एक बंदरगाह था जो तलवार निर्माण हेतु प्रसिद्ध था। उसने सर्वप्रथम आक्रमण करके यहाँ विजय हासिल किया और इस समय यहाँ का शासक जो है दाहिर था। इसके बाद इसने नीरू, जो उस समय बौद्ध नगरी के नाम से भी प्रसिद्ध था, यहाँ पर बौद्ध जाट मेड़ों ने कासिम का साथ भी दिया था, बौद्ध मतलब विद्रोही बौद्धों ने, यहाँ पर मोहम्मद बिन कासिम ने विजय प्राप्त की। इसके बाद सेहवान, यहाँ पर जो है दाहिर का चचेरा भाई बजहरा शासन कर रहा था, मोहम्मद बिन कासिम ने उसको परास्त किया। फिर रावर, इसके बाद रावर पे अभियान किया। रावर पे जो है दाहिर प्रत्यक्ष शासन कर रहा था, उसका युद्ध होता है मोहम्मद बिन कासिम से और मोहम्मद बिन कासिम ने दाहिर को पराजित कर दिया। दाहिर की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी रानी बाई ने युद्ध का नेतृत्व संभाला लेकिन धीरे धीरे स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई। रानी बाई की पराजय हो गई तो रानी बाई ने जौहर कर लिया।
इसके बाद मोहम्मद बिन कासिम ब्राह्मण पे आक्रमण करता है। यहाँ पर दाहिर के पुत्र जय सिंह शासन था, यह भी परास्त होता है और परास्त होने के बाद यह इस्लाम स्वीकार कर लेता है। इसके बाद इसने अरोर पे आक्रमण किया और सबसे अंत में 1713 में मुल्तान, जिससे वहाँ इतना स्वर्ण था इसलिए इसको स्वर्ण नगरी के नाम से जाना था, इसने मुल्तान पे आक्रमण किया और मुल्तान को अपने शासन के अधीन किया। अब हम थोड़ा मोहम्मद बिन कासिम के बारे में भी जान लेते हैं। मोहम्मद बिन कासिम की हुआ क्या इसके बाद, यहाँ से जब लौटता है तो दाहिर की दूसरी पत्नी जो थी लाड़ी देवी, इनकी दो पुत्रियाँ थीं सूर्य देवी और परमल देवी, इनको ले कर जाता है और खलीफा के सम्मान में उनके यहाँ इसको भेजता है। तो इस संबंध में चशनामा में है दिया गया है कि सूर्य देवी और परमल देवी ने खलीफा को बताया कि मोहम्मद बिन कासिम ने उनके पास उनको भेजने से पहले उनका कौमार्य भंग कर दिया है। इससे खलीफा नाराज होता है और मोहम्मद बिन कासिम को मृत्युदंड दे देता है। लेकिन इसके अलावा अन्य मत भी प्रचलित हैं जिसमें यह कहा गया है कि इराक के गवर्नर हज्जाज का खलीफा के साथ अच्छे संबंध नहीं थे, इसके कारण खलीफा ने उसी बहाने मोहम्मद बिन कासिम को मृत्युदंड दे दिया। ये तो हो गया भारत में अरबों का आगमन या इस्लाम का आगमन भी कह सकते हैं, और ये आक्रमण के माध्यम से हुआ। लेकिन दूसरी चीज, व्यापारिक रूप से भी अरबों का आगमन हुआ, और व्यापारिक रूप से आगमन जो है अरबों का भारत में है वो प्राचीन काल से चला आ रहा था। ये सर्वप्रथम मालाबार तट पे आए, यहाँ आने पर इनको यहाँ के शासकों द्वारा सहयोग मिला और यहाँ इन्होंने विवाह भी किया और इनसे उत्पन्न संतानें ही जो है यहाँ मोपला कहलाती थी। यहाँ के राजाओं ने इनको संरक्षण दिया, यहाँ मस्जिद निर्माण करने की छूट दी, यहाँ के शासक पेरुमल शासक जो था चेरामन पेरुमल, इसने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया और इस्लाम धर्म स्वीकार करने के बाद इसने अपना नाम अब्दुल रहीम सामरी रखा। यह एक बार मक्का की तीर्थयात्रा पर भी गया और वहाँ जाकर उसने वहाँ से संदेश भेजा यहाँ शासकों के नाम कि आप यहाँ पर मुस्लिमों की जो है सहायता करिए, यहाँ उन्हें कोई कष्ट न हो और यहाँ पर उन्हें मस्जिद और व्यापार आदि की सुविधा दीजिए जो है। तो अब तक हमने पढ़ा कि इस्लाम का उदय कैसे हुआ और इस्लाम का भारत में आगमन कैसे होता है। तो इस्लाम के उदय में हमने पढ़ा कि इस्लाम के उदय के समय परिस्थितियाँ क्या क्या थी, और उसके बाद इस्लाम के संस्थापक मोहम्मद साहब के बारे में हमने पढ़ा। पुनः हमने देखा कि इस्लाम जो है भारत में आता कैसे है। तो इस्लाम दो तरीके से आता है, एक आक्रमणकारियों के द्वारा और दूसरा व्यापारिक रूप से। ठीक, अब हम इसके बाद अध्ययन करेंगे महमूद गजनवी के भारत अभियान के बारे में। तो सर्वप्रथम हम जानते हैं कि महमूद गजनवी की पृष्ठभूमि को समझते हैं कि महमूद गजनवी जो है कब शासक बना, गजनवी वंश क्या है और जो है उसने कब से कब यहाँ अभियान किए। तो सर्वप्रथम हम ये देखते हैं कि मध्य एशिया या एशिया में कह सकते हैं खलीफा की सत्ता थी। जब खलीफा की सत्ता कमज़ोर होती है तो ट्रांसआक्सियान, खुरासान एवं इराक में एक समानी वंश की स्थापना होती है और यहाँ पर एक तुर्क अधिकारी अलफुद्दीन द्वारा 963 ईस्वी में गजनी को केंद्र बनाकर गजनवी या यामनी वंश की स्थापना की जाती है। इसी में आगे चलकर 977 ईस्वी में इसके दास एवं दामान सुबुक्तगिन शासक बना। इसकी मृत्यु 977 ईस्वी में हो जाती है, लेकिन हम देखते हैं कि अलपगिन जो है
963 ईस्वी में शासक बनता है, लेकिन 963 में ही इसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद इसका पुत्र इसहाक 963 से 966 ईस्वी तक 3 साल शासन करता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद इसका सेनापति जो है बलकतगीन था, इसने शासन संभाला। और इसके बाद एक दास पिराई, गुलाम पिराई ने सत्ता संभाली। यहाँ हम देखते हैं कि गुलाम पिराई के समय भी हिंदू शाही शासक जयपाल ने इस समय आक्रमण किया था। इसी समय वहाँ पर एक दास सुबुक्तगीन ने जो है अचानक आक्रमण कर जयपाल की सेना को पराजित किया और प्रसिद्धि पाई। और उसने जो है इसी का लाभ लेकर गुलाम पिराई को हटा दिया और 977 में स्वयं शासक बन गया गजनी का। 997 में सुबुक्तगीन की मृत्यु होती है, ठीक, और छोटा पुत्र इस्माइल उसका उत्तराधिकारी बनता है, क्योंकि सुबुक्तगीन ने इस्माइल को ही अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। लेकिन इससे उसका बड़ा बेटा महमूद गजनवी संतुष्ट नहीं होता है और 7 महीने बाद ही इस्माइल को हरा कर स्वयं गजनी का शासक बन जाता है। अब हम देखते हैं, इस बात पर विचार करते हैं कि महमूद गजनवी ने भारत अभियान किए उसके कारण क्या थे। शत्रुतापूर्ण संबंध, इस समय जो है गजनवी क्षेत्र और भारत में जो है हिंदुशाही शासक राजवंश का शासन था, जिसका शासक जयपाल था, दोनों की सीमाएं आपस में सटी हुई थी और राज्यपाल इससे निश्चिंत नहीं था। उसने इसके संबंध में पिराई के ही समय जो है गजनी विजय अभियान किया था। उस समय सुबुक्तगीन ने अचानक आक्रमण कर जयपाल की सेना को पराजित किया था, कर दिया था। इसके बाद 986-87 में जयपाल ने पुनः काबुल और लमगान नामक स्थान पर आक्रमण किया, लेकिन वह पराजित हुआ और उसने संधि कर लिया। संधि के बाद जब वह वापस आता है लाहौर तो संधि की शर्तों को मानने से अस्वीकार कर देता है, जिसके कारण सुबुक्तगीन जो है भारत पे अभियान करता है और लमगान तक जो है क्षेत्र जीत लेता है। इसके कारण जयपाल एक संगठन बनाता है जिसमें कलिंजर, अजमेर, कन्नौज आदि की सेनाएं मिलकर 991 ईस्वी में इसकी सेनाएं पुनः आक्रमण करती हैं। लेकिन सुगुप्तगीन द्वारा जो है इनकी पराजय होती है। उस समय जो है महमूद गजनवी जो है अंदर सुगुप्तगीन के सेना में था। एक तो ये कारण था कि बराबर हिंदुशाही शासक वंश से और गजनवी के साथ सीमाएं टकरारे जुड़ी हुई थी, तो इसलिए दोनों में जो है युद्ध पहले से ही चला आ रहा था। तो एक तो ये कारण था कि महमूद गजनवी चाहता था कि हम किसी प्रकार से जो है अपनी सीमा भी सुरक्षित करें और अपना अधिकार भी विस्तार भी करें। दूसरा कारण, उत्बी ने इसके आक्रमणों को जिहाद कहा है, यानी वह अपने इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार या विस्तार के उद्देश्य के कारण उसने निरंतर भारत पर आक्रमण किए। तीसरी कारण, धन की लूट, भारत से संपत्ति का प्राप्त करना जो है महमूद गजनवी का उद्देश्य था और वो बार बार इसलिए आक्रमण करता गया क्योंकि उसके आक्रमणों से उसे धन प्राप्त हो करता गया। तो उसकी लालच दिन ब दिन बढ़ती गई क्योंकि उसने सोचा कि यहाँ तो बहुत धन प्राप्त होगी। इस संबंध में हैवेल ने कहा है कि वह बगदाद को भी वैसे ही लूटता जैसे सोमनाथ मंदिर को लूटा यदि उसे यहाँ से धन मिलने की आशा होती। इस प्रकार इस पर हम विचार करते हैं कि आक्रमण के कारण क्या थे। तो सत्तापूर्ण संबंध देखते हैं, फिर धार्मिक कारण देखते हैं, फिर धन की लूट देखते हैं। इसके बाद हम महमूद गजनवी के भारत अभियानों की चर्चा करते हैं। इस संबंध में हेनरी इलियट ने कहा है कि महमूद गजनवी ने भारत पे 17 बार जो है आक्रमण किए, लेकिन इसको पूर्णतः सत्य नहीं माना जाता। इस संबंध में और लेखकों विचारकों का मत है कि 17 बार तो नहीं, लेकिन उसने कम से कम 12 बार आक्रमण किए हैं। अब हम उसके क्रमवार आक्रमणों को देखते हैं। सर्वप्रथम महमूद गजनवी ने 1100 से 1127 के मध्य आक्रमण किए। सर्वप्रथम उसने 1000 ईस्वी में पेशावर पे आक्रमण किया,
यहाँ पर विजय हासिल कर चला गया। इसके बाद उसने 1001 ईस्वी में हिंदू शाही शासक जयपाल के विरुद्ध अभियान किया। इस युद्ध में जयपाल पराजित होता है और अपने पूरे परिवार के साथ बंदिश हो जाता है। इससे दुखित होकर जयपाल ने इसके बाद कुछ धन दौलत दिया और छूट गया, लेकिन निरंतर प्रयासों से दुखित होकर जयपाल ने आत्महत्या कर ली। ठीक, और उसके बाद उसका पुत्र आनंदपाल शासक बना। इसके बाद 1104-5 ईस्वी में भटिंडा पे आक्रमण किया। यहाँ का शासक बाजीराव या बीजीराव था, यह भी पराजित हुआ और इसने आत्महत्या कर ली। इसके बाद महमूद गजनवी ने 1005 और 6 ईस्वी में मुल्तान पे आक्रमण किया। यहाँ का शासक दाऊद फतेह दाऊद था। उसने अपने क्षेत्र से सेना न ले जाने की अनुमति दी महमूद गजनवी को। इस कारण महमूद गजनवी रुष्ट हो गया और उसने आक्रमण कर दिया और दाऊद को उसने पराजित किया। और दाऊद ने पराजय स्वीकार कर लिया तो महमूद गजनवी ने दाऊद को मुल्तान का जो है पुनः बना दिया और यहाँ के अगल बगल के क्षेत्रों को उसने जयपाल के नाती सुखपाल को शासक बना दिया, जो सुखपाल जो है नौशासा के नाम से इस्लाम धर्म स्वीकार कर चुका था। 1008 ईस्वी में पुनः महमूद गजनवी ने हिंदू शाही शासन पे आक्रमण किया और जयपाल का पुत्र आनंदपाल शासन कर रहा था। आनंदपाल ने एक संगठन बनाया उज्जैन ग्वालियर कलिंग कनौज दिल्ली अजमेर आदि के शासक इसके समर्थन में थे, लेकिन महमूद गजनवी ने पुनः इस संघ को पराजित किया और इसके बाद आनंदपाल मारा जाता है। उसका पुत्र त्रिलोचन पाल जो है शासक बनता है। 1009 ईस्वी में पुनः आनंदपाल पुत्र त्रिलोचन पाल पर महमूद गजनवी आक्रमण करता है। आनंदपाल भी कई बार युद्ध करता है और कश्मीर के शासक संग्राम सिंह से सहयोग लेता है और पुनः चंदेलों से सहयोग लेता है, लेकिन वह असफल रहता है। इसके बाद इसका पुत्र शासक बनता है 2021 में शासक। उससे भी महमूद गजनवी का युद्ध होता है, लेकिन 2021 में वो भी पराजित होता है और मृत हो जाती है। एक हजार 14 में थानेश्वर को लूटा और थानेश्वर को लूटने में उसने वहां रास्ते में डेरा शासक राजा राम से युद्ध हुआ, लेकिन राजा राम भी पराजित हुआ। इसके बाद 1018 में महमूद गजनवी का गंगा घाटी में आक्रमण होता है और इस समय वह कई जगह आक्रमण करता है। इस समय बुलंदशहर बरन के नाम से जानते थे, यहाँ पर आक्रमण करता है और यहाँ के शासक हरदत्त को पराजित करता है। इस समय यहाँ पर कन्नौज शासक राज्यपाल का शासन था गुर्जर प्रतिहार वंश के, जो बिना लड़े ही भाग गया। इस कारण से चंदेल शासक विद्याधर ने एक संघ बनाया और राज्यपाल को दंडित किया क्योंकि वह युद्ध छोड़कर भाग गया था। 1019 में कलिंजर पर आक्रमण करता है। यहाँ का शासक विद्याधर था। विद्याधर ने संघ भी बनाया था और वह मिलकर महमूद गजनवी से मुकाबला करता है, लेकिन निर्णायक युद्ध नहीं हो पाता है। और इसमें जो है विद्याधर ने महमूद गजनवी की प्रशंसा की, उसकी प्रशंसा में गीत लिखे, जिसके कारण महमूद गजनवी इसको 15 के लिए देता है और वापस चला जाता है। इसके बाद 1022 में पंजाब पे आक्रमण किया और उसको गजनी में मिला लिया। 1025 में इसका सब प्रमुख आक्रमण गुजरात पे होता है। यहाँ का शासक भीम था, लेकिन वह भाग गया। वहाँ सोमनाथ मंदिर के को इसने वहाँ मंदिर को नष्ट किया, अकुत संपत्ति लूटा और जब वह संपत्ति लूट कर लेकर वापस जा रहा था तो रास्ते में जाटों ने इसका मार्ग अवरुद्ध किया। जाटों ने इसको परेशान किया, लेकिन वह किसी प्रकार से निकल गया। और 1027 में इसने अंतिम अभियान किया और जो जाट सोमनाथ से वापस जाते समय उसको परेशान किए थे उनको जो है पराजित किया। इसके बाद उसका आक्रमण नहीं होता। 1030 ईस्वी में महमूद गजनवी की जो है मृत्यु हो जाती है।